कि वो इंस्टीट्यूट आपको क्या स्टडी मटेरियल दे रहा है या स्टडी मटेरियल के साथ और क्या क्या नोट्स या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है जो आपके हेलो एवरीवन, दिस इज़ मधु फ्रॉम टॉपर्स एकेडमी। सो आज मैं फिर आपके साथ एक और वीडियो लेके आई हूँ जिसका नाम है हाउ टू चूज़ द बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हम कोई इंस्टीट्यूट या कोचिंग सर्च करते हैं, ढूंढते हैं, तो हमें किस बात का लाइक सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? तो वो आज मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता देती हूँ, ठीक है? या आप कोई भी आप नीट आईआईटी की कोचिंग देखते हो तो क्या क्या चीज़ें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। फर्स्ट है आपका रिसर्च ऑप्शन इन योर एरिया। मतलब सबसे फर्स्ट तो आपके दिमाग में यही होना चाहिए, या कोई मतलब मोस्टली ना ये जो वीडियो है ये पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी कि उनको अपने बच्चों को कौन क्या मतलब कोई भी इंस्टीट्यूट में अगर वो ढूंढ रहे हैं तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? तो फर्स्ट है आपका रिसर्च ऑप्शन इन योर एरिया। मतलब कि अब जो भी आप इंस्टीट्यूट ढूंढ रहे हैं वो कोशिश करो कि आपके एरिया मतलब जहाँ आप रह रहे हो उस लोकेलिटी में ही हो, आसपास ही हो, ठीक है? अगर वो चीज़ अलग है कि अगर वो नहीं मिल रही है या नहीं है तो वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ भी आपको करना है, बट अगर है तो कोशिश करो कि वहीं पे ही आसपास ज्वाइन करो कि जिससे आपका टाइम भी बचे अप डाउन करने में। कंसीडर फैकल्टी क्वालिटी एंड एक्सपीरियंस। जहाँ भी जिस भी इंस्टीट्यूट को आपने फाइनल किया है या कहीं पे भी आप गए हो पूछने, तो वहाँ पे पहले तो आप फैकल्टी एक्सपीरियंस आप पूछो कि क्या फैकल्टी एक्सपीरियंस है उनका, ठीक है? फैकल्टीज़ की क्वालिटी क्या है, ठीक है? कि क्या उनका एक्सपीरियंस रहा है, क्या चीज़ उन्होंने कर रखी है। मतलब ऑब्वियसली एज अ पेरेंट आपको कंसर्न रहेगा कि क्या कौन पढ़ा रहा है आपके बच्चे को, ठीक है? तो ये इस चीज़ का भी आपका बहुत ज़्यादा ध्यान जाना चाहिए। रिव्यू स्टडी मटेरियल, कोई भी इंस्टीट्यूट जाते हो तो स्टडी मटेरियल आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस इंस्टीट्यूट का, कि वो इंस्टीट्यूट आपको क्या स्टडी मटेरियल दे रहा है या स्टडी मटेरियल के साथ और क्या क्या नोट्स या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है जो आपके बच्चों के लिए या कोई बच्चे ढूंढ रहे हैं तो उन बच्चों के लिए आपको हेल्पफुल करे, ठीक है? तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है। चेक ट्रैक रिकॉर्ड एंड सक्सेस रेट्स। इंस्टीट्यूट का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, सक्सेस रेट क्या है, कितने बच्चे उस इंस्टीट्यूट से निकले हैं, क्या है, उस चीज़ का भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से पता करना है, ठीक है? तो इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। असेस बैच साइज, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है बैच साइज़। बैच साइज़ क्या है उसका, बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जिनका बैच साइज़ जो है 400-500 के आसपास ही रहता है। खुद सोचो कि 500 बच्चों के बीच में आप बैठ के पढ़ सकते हो क्या, तो ये चीज़ आपको खुद देखनी है। कभी ऐसा होता है कि हम लोग क्या है कि हाँ इसमें 500 इसमें 400 बच्चे हैं, तो हम लोग ये सोचते हैं कि हाँ इस इंस्टीट्यूट में बहुत ज़्यादा बच्चे हैं तो एक बैच में इतने बच्चे क्या कुछ तो बात होगी, बट ये चीज़ नहीं सोचनी है। उसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है? तो आपको उस माइंड में नहीं जाना, उस जोन में नहीं जाना कि हाँ ये इंस्टीट्यूट अच्छा है इसमें बहुत सारे बच्चे हैं। आप खुद सोचो कि इतने बच्चों के बीच में आप कैसे पढ़ सकते हो। अगर आपको डाउट आता है तो 400 बच्चों के बीच में आप खड़े होकर अपना डाउट पूछ सकते हो? नहीं। तो हमेशा जब भी जाना है बैच साइज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है? इंक्वायर अबाउट स्टूडेंट सपोर्ट एंड काउंसलिंग। कभी भी किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो तो एक तो इस मतलब जो वहाँ की काउंसलिंग है उसको इंक्वायर कीजिए, स्टूडेंट सपोर्ट को इंक्वायर कीजिए कि क्या चीज़ें वहाँ पे ये चीज़ मैटर करती भी हैं, ठीक है? तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कंसिडर लोकेशन एंड कम्यूट। इसका ये है कि ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी देखिए कि आप क्या उस लोकेशन में कंफर्टेबल हैं। अगर फर्स्ट तो मैंने आपको बताया कि अपने ही एरिया में आप देखो, बट अगर आपको अपने एरिया में नहीं दिखता है तो वो चीज़ आप ध्यान दीजिए कि अगर आप कहीं दूर भी जा रहे हैं तो क्या वहाँ से अप डाउन करना आपके लिए ईजी है। वो चीज़ आपको पहले से ही सोचनी पड़ेगी एडमिशन लेने से पहले कि वहाँ से आप अप डाउन कर पा रहे हैं या अप डाउन के बाद आपका टाइम कितना लग रहा है, क्या है, तो वो सारी चीज़ें आपको एनालाइज पहले से ही करनी पड़ेगी, ठीक है? ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट एंड प्रेफरेंस। तो हमेशा आपको अपने प्रेफरेंस पे भरोसा रखना है, अपनी चीज़ों पे भरोसा रखना है
कि अगर आप ये डिसीजन ले रहे हो कि किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहे हो, किसी कोचिंग को ज्वाइन कर रहे हो, तो वो कोचिंग बहुत अच्छी है, मतलब बहुत नहीं बोलेंगे, मतलब बहुत से ऐसे मतलब इंस्टीट्यूट को ना, जब भी हम किसी इंस्टीट्यूट को सर्च करने जाते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती है कि कुछ बच्चे बोलते हैं, कुछ बच्चे या कुछ हमारे जानने वाले ऐसे होते हैं कि हाँ भाई ये आपको बैड चीज़ें भी सुनने को मिलेंगी और गुड चीज़ें भी सुनने को मिलेंगी, तो वो चीज़ ना हमारे माइंड को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करेंगी। तो ऐसा नहीं करना है, आपको बिल्कुल अपने आप पे ट्रस्ट रखना है, भरोसा रखना है। अगर आप इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर रहे हो किसी भी, ठीक है, तो उस वो सही है, वो आपको खुद से रखना है। आपको किसी की बातों में नहीं आना है कि अगर आपने उसे ज्वाइन कर लिया देन फिर आप सोचो कि नहीं ये इंस्टीट्यूट अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं सोचना, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको, आप जब भी आप किसी इंस्टीट्यूट को सर्च करने जाते हो तो इन चीज़ों का आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, सो थैंक यू सो मच।